था, किससे याद है क्या? कोई अनम्यूट करके 2 मिनट के लिए बोल सकता है? हाँ अरे वाह, हाँ तो क्या हुआ उस फर्स्ट पैराग्राफ में? 2-3 टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ चलो अभिनव आप बोलो, फ्लावर का क्या डेफिनेशन दिया था? इसे याद आ रहा हो तो मैम, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाँ, वेरी गुड, एंड इट कैन परफॉर्म बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। नहीं असेक्सुअल में नहीं आएगा फ्लावर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाएगा। सेक्सुअल देन इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड एंश्योर्स दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हाउ इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स? सॉरी मैम, हाउ इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स? थ्रू मियोसिस। हाँ तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मियोसिस? कोई और बोलेगा, ईश्वरी कौन है? हाँ ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। चलो हम आगे, किसी किसी की रेंज भी नहीं आती है प्रॉपरली, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ओके तो देखो हमने कल कल बस मतलब 2-3 दिन छुट्टी के पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या कंप्लीट किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट से होगा, फिर उसके बाद वो जुवेनाइल स्टेज दिखाएगा, वो प्लांट जो है वो जुवेनाइल स्टेज के एंडिंग में मतलब कौन से मोस्टली जुवेनाइल फेज दैट इज वेजिटेटिव फेज उसके एंडिंग से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट करता है। और रिप्रोडक्टिव फेज कैसे मालूम होता है? तो उसमें स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आता है? फ्लावर। लेकिन फ्लावर में भी हमने 2 मेन पार्ट पढ़े थे, एक इसेंशियल पार्ट और दूसरे पार्ट को नाम दिया था नॉन इसेंशियल पार्ट। तो हमें मेनली कहाँ पे जाना है? इसेंशियल पार्ट में। तो इसेंशियल पार्ट में हमने कौन सा पार्ट कहा था? दैट इज एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम। तो देखो यहाँ पे जो मेन पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 मेजर इवेंट्स विद मियोसिस। मियोसिस का मीनिंग होता है कि वन सेल डिवाइड इनटू 4, दैट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन डिवीजन। तो जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो हमें क्या फॉर्मेशन मिलते हैं? गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये गैमेट जब फ्यूजन दिखाएंगे तो ऑन फ्यूजन इट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो मैं पहले ड्रॉ मैं इसे राइटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो एसेंशियल पार्ट में हमने 2 पार्ट को देखा था, फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोएशियम, फिर सेकंड को क्या नाम दिया था? गाइनोएशियम। फिर एंड्रोएशियम में हमने यूनिट को नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज स्टैमेन। एंड्रोएशियम मेड अप ऑफ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्टैमेन भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से होगा। स्टैमेन का मेन फर्टाइल पार्ट आएगा That is called as a anther. तो अगर हम फ्लावर के टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये ऐसे डायग्राम को बहुत सारे स्टैमेंस को हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज ए एंड्रोएशियम। उसका एक यूनिट बाहर निकालना तो उस पार्ट को हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैमेन। उसमें से एक पार्ट को बाहर निकालना तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए एंथर, इस पार्ट को नाम दिया एंथर। अब हमें एंथर के अंदर जाना है क्या पढ़ने के लिए कि हाउ दिस एंथर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर रही हूँ कि ताकि आपको इसके अंदर की, इस एंथर के अंदर की क्या समझ में आएगी? हिस्टोलॉजी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं कि जिससे क्या प्रोड्यूस होने वाले हैं? गैमेट्स। तो देखो यहाँ पे द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट, मतलब 2 गैमेट फ्यूज होंगे। तो कौन से 2 गैमेट फ्यूज होंगे? एग और मेल गैमेट। कौन फ्यूज होगा? एग एंड मेल गैमेट। दिस एग एंड मेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म व्हाट? जायगोट। तो एग का क्रोमोसोम नंबर होगा एन, मतलब हैप्लॉइड,
और मेल गैमेट का क्रोमोसोम नंबर भी होगा एन, एन प्लस एन से हमें मिलेगा टू एन मतलब जायगोट, और उस कंडीशन को कहते हैं डिप्लॉइड जायगोट। उससे क्या नाम देंगे? डिप्लॉइड जायगोट। तो देखो टेक्स्ट बुक में देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर इवेंट, वन इज मियोसिस एंड सेकंड बाय मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन, दैट गैमेट फॉर्मेशन फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। तो डिप्लॉइड क्यों आया ये समझ में आया? फर्स्ट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये दोनों फ्यूज होने की वजह से मैंगो प्लांट प्रोड्यूसेस मैंगो सीड, कोकोनट प्लांट प्रोड्यूसेस कोकोनट प्लांट, और डॉग गिव बर्थ टू पपी। तो ये सिमिलैरिटी आएगी। लेकिन वेरिएशंस आर आल्सो यूजफुल टू फॉर्म अ पॉइंट ऑफ व्यू टू सर्वाइव एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्रोड्यूस क्या दिया है देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है? जायगोट, एंड दैट प्रोसेस इज एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट के बाद में, जायगोट के बाद में सीड आएगा ना, तो सीड डायरेक्टली नहीं होगा। तो सीड फॉर्म होने के लिए क्या फॉर्म होना जरूरी है? एम्ब्रियो फॉर्म होना जरूरी है। और एम्ब्रियो कौन से पार्ट से होगा? जायगोट से होगा प्रोड्यूस। तो जायगोट कन्वर्टेड इंटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्टेड इंटू सीड। और जायगोट कहाँ से आएगा? दो गैमेट से, वन मेल गैमेट एंड सेकेंड कौन सा आएगा? फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, उससे बनेगा जायगोट। जायगोट का कन्वर्शन किसमें होगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड। ये प्लांट का है इसलिए ऐसे ही एनिमल में भी होता है। फिर देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इवेंट से अगर हमें सीड बनानी है, तो सीड बनाने के मेन तीन प्रोसेसेस वहां पे दिए हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का भी ऐसा ही होता है, देखो ह्यूमन बींग्स में भी सबसे पहले ह्यूमन बींग का बर्थ होगा। बर्थ के बाद क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ एक एडोलेसेंस एज तक, मतलब जब तक फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, मेल की बॉडी में फीमेल फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बार देखो मैच्योरिटी आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली मैरिज प्रोसेस में चले जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन, मतलब ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगेन ओल्ड एज आएगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, डेथ। तो ह्यूमन बींग में भी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है, तो कंटिन्यू लाइफ। तो सेम लाइक दैट प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होके आगे न्यू सीड बनने के लिए वो तीन प्रोसेस में जाता है। तो तीन में से पहली वाली प्रोसेस को क्या नाम दिया है देखो? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए प्री फर्टिलाइजेशन, पहली वाली प्रोसेस को नाम दिया है प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? तो प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा ये एंड्रोएशियम होगा, फिर उसके बाद स्टैमेन होगा, फिर उसके बाद एंथर होगा, फिर एंथर के अंदर क्या रहेगा? पोलन सैक रहेगा। तो ये सब जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। लेकिन एज सून एज एग और मेल गैमेट बना, एग और मेल गैमेट से क्या बना? जायगोट। तो उस इवेंट को ओनली क्या टाइम लगता है? फर्टिलाइजेशन। तो देखो ऐसा ही होता है हमारे घर डेली लाइफ में भी। खाना बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है देखो? एक कम से कम 60 मिनट्स तो चाहिए हम लोगों को खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 15 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स में हम लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए वही खाना 3 या 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता है। कम से कम 3 घंटा तो लेता है वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये प्रोसेस भी ऐसे ही होती है प्लांट्स में। प्लांट में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब उसका फ्लावर बनो, वो बड़ा बनेगा। फिर फ्लावर एक बार हो गया, एक बार गैमेट्स बन गए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैक्सिमम वो कितना टाइम लेता है? हाफ एन आवर। लेकिन उसके बाद उसके अंदर सीड फॉर्म होगा, उसके अंदर फ्रूट बनेगा, उस प्रोसेस को वो टाइम लेता है। तो मतलब प्री प्रोसेस में जो लेंथी प्रोसेस है
वो पहली वाली प्री फर्टिलाइजेशन की और सेकेंड वाली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स मोस्टली हाफ एन आवर और मैक्सिमम वन आवर। उस पीरियड में फ्यूजन ऑफ मेल और क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अभी हमें डायरेक्ट प्रोसेस में जाना है, तो प्रोसेस में जाने के लिए हमें मेन पार्ट को समझना है फ्लावर के। तो मेन पार्ट क्या कहा है, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। वॉल क्या दिया है देखो यहाँ पे, द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज ए एंड्रोएशियम। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनेगा। एक जस्ट नॉमिनल, एक जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें मोस्टली चार पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ता है। अगर चार पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो कम से कम थ्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहता है नॉलेज, मतलब कोई भी चीज का पहले नॉलेज मिलना चाहिए। फिर वो नॉलेज मिलने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। थर्ड आता है, एक बार नॉलेज आया ना आपको, एक बार अंडरस्टैंडिंग आया, तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। तब आपको ना टीचर की जरूरत नहीं महसूस होती, और फिर उसका स्किलफुल यूज, उसका स्किलफुल यूज करना, ये फोर्थ पॉइंट आता है। तो हमें एग्जाम देने के लिए एटलीस्ट है ना तीन पॉइंट मालूम होने चाहिए। पहला एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फोर्थ स्किल आता है। तो आपकी मतलब ये जो अभी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में आप सब स्टूडेंट्स है ना, चारों टेक्निकली स्मार्ट हो। नॉलेज भी आपका अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, एप्लीकेशन भी है और स्किल भी है। आप मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा कहीं और स्किल यूज कर सकते हैं। हाँ, ये डायग्राम हम इसमें ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये चार पॉइंट ऑफ व्यू आपको जाना ही है स्टडी के लिए। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टार्ट किए है नॉलेज, पहले समझो बायो में ये है, पहले ले लो, फिर आप खुद उसके ऊपर रीड करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, और फिर आप खुद ड्रॉ करेंगे तो स्किल यूज करेंगे। आप बोलेंगे मैडम इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ये हम यूज करेंगे, तो उसे कहेंगे एप्लीकेशन। तो देखो पहले मेल रिप्रोडक्टिव वॉल को नाम दिया है एंड्रोएशियम, फिर उसका इंडिविजुअल, अभी ना सबको म्यूट करो तो डिस्टर्ब नहीं होगा। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोएशियम इज कॉल्ड एज ए स्टैमेन। एक इंडिविजुअल मेंबर है, उसे नाम क्या दिया है, स्टैमेन। अब स्टैमेन कौन से थ्री पार्ट से बना है, इट इज मेड अप ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो यहाँ पे डायग्राम है टेक्स्ट बुक प्लांट का, फ्लावर का डायग्राम। तो यहाँ पे फ्लावर के डायग्राम में देखो ये जो पार्ट है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैमेन। फिर टिप में जो पोर्शन है, दैट टिप पोर्शन इज कॉल्ड एज ए एंथर। फिर कनेक्ट जो होगा वो कहेंगे कनेक्टिव, और जो नीचे थ्रेड जैसे दिखेगा ओवरी तक जा रहा है, उस पोर्शन को नाम देंगे फिलामेंट। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब ये ऊपर समझ के कुछ फायदा नहीं है, हमें अंदर जाना पड़ेगा, इस एंथर के अंदर क्या है। तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ ये आपको अभी बोर्ड का मार्किंग स्कीम कैसा है आप सबको मालूम है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क। हम इससे आगे नहीं जा सकते, मतलब बोर्ड के हिसाब से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए एंड 4 मार्क के लिए। तो 1 मार्क मतलब कहाँ पे जाएंगे हम लोग, एमसीक्यू के। 2 मार्क मतलब क्या आएगा, शॉर्ट आंसर। और 3 मार्क का अगर आप सोचेंगे तो कभी भी सोचना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, बस इतना ही दो कंसेप्ट आएगा। और जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सारा आएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा और स्किल भी आएगा। तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है अभी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये हमारा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बन रहा है कि बोर्ड में हमको ये 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या है, एन इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन नर्वस टिश्यू से बना है, हमारे बॉडी से स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, हमारा हार्ट कार्डियक टिश्यू से बना है, वैसे ही प्लांट में मेन 2 टिश्यू रहती है, वन इज कॉल्ड एज ए सिंपल टिश्यू, वन इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का टाइप होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा। तो उन्होंने वही कहा है, देखो हमें पे ध्यान देना चाहिए पैरेन्काइमा। तो बहुत सारे
ड्रॉ की है, सपोज इसको नाम दिया पैरेन्काइमा, तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट वॉल क्या रहेगा, सेल वॉल, यहाँ पे डेफिनेट न्यूक्लियस, लेकिन इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट रहेगा, कौन सा सेल ऑर्गेनेल रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, तो उसे नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा, उस सेल का नाम है क्लोरेन्काइमा। तो ये किसका टाइप है, पैरेन्काइमा का, कौन सा टाइप हो गया, पैरेन्काइमा। तो ऐसे ही यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, विच आर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। तो देखो अब मैं यहाँ कोशिश करती हूँ आपको, सपोज ये मैंने किसको ड्रॉ किया, एंथर को, एंथर है ना उसे ड्रॉ किया, या तो आपने लिली का एंथर देखा है ऐसा पेंडुलम फॉर्म में आता है ये, अब इसके अंदर ऐसा ब्लेड पास करेंगे, ऐसा ब्लेड पास करेंगे, या तो इसके अंदर ऐसा ब्लेड पास करेंगे, ओके। तो ये इसके अंदर जब ब्लेड पास करेंगे तो वो एक ही ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, लेकिन ये दो कनेक्टेड है ना, इसके अंदर पास करेंगे तो ये एक लोब ऐसा दिखाएगा, फिर ये दूसरा लोब ऐसा दिखाएगा, ओके ये दो लोब है। तो जैसे कैसे बोले, अब अपना स्किन जो है, अपना मेरा भी ये हैंड है सपोज, तो ये हैंड का ऊपर वाले लेयर को हमने क्या नाम दिया, इपिडर्मिस। तो वैसे ही ये इसका ऊपर वाला पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए इपिडर्मिस, इस पार्ट का नाम है इपिडर्मिस। लेकिन ये कोई टिश्यू से बना है इसलिए इसे नाम दिया पैरेन्काइमा, ओके। सपोज ये नॉब है, बराबर है, तो इसका बाहर वाला पिंक कलर जो है, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर प्लास्टिक से बना है ना, तो वैसे ही बाहर वाला स्ट्रक्चर कुछ केमिकल से बना है, सेल से बना है, और उस सेल का नाम है पैरेन्काइमा, ओके। लेकिन है तो क्या, प्लास्टिक, बाहर वाला लेयर, तो हम लोग बोलते टाइम बोलेंगे बाहर वाला लेयर, आउटर लेयर, दैट आउटर लेयर सिंगल लेयर, वो कितने लेयर से बना है, सिंगल लेयर, एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ए एपिडर्मिस, और उसका मेन पॉइंट आएगा पैरेन्काइमा। तो मैंने इतना जो बड़बड़ बड़बड़ किया, उसमें मेन पॉइंट क्या है कि आउटर सिंगल लेयर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कौन से टिश्यू से बना है, पैरेन्काइमा। जनरली एंथर इज डाइथिकस, मतलब मोस्टली सारे प्लांट्स में वो दो लोब का रहता है, सिंगल लोब का नहीं रहता, जैसे ये टू लोब है ना, वैसा ये सिंगल लोब है, ये टू लोब है, तो टू लोब रहेंगे तो उसे बोलते हैं डाइथीका। थीका का मीनिंग होता है बैग, और डाई का मतलब होता है दो, दैट इज हैविंग टू लोब, तो थीका मतलब बैग, या तो लोब कहेंगे, तो एक बैग रही उसके अंदर क्या रहेंगे बताओ, पोलन ग्रेन रहेंगे। तो यहाँ पे डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरांजिएट, अब मैंने ये डाइथिकस ड्रॉ किया यहाँ पे, ये एक थीका, ये एक थीका, दो बैग बनाई है, ओके। दो बैग मतलब कैसा, ये एक, ये ढक्कन है, समझ में आ रहा है आपको, अब दूसरा भी ढक्कन रहेगा, ये दो ढक्कन हो गए सपोज, तो ये डाइथिकस हो गए। अब इस ढक्कन के अंदर रिफिल है कि नहीं, ओके, अगर इसके अंदर दो रिफिल रहेंगे एक ढक्कन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने दो रिफिल डाल दिया, ये एक और ये एक, ओके, ये एक ढक्कन के अंदर हो गया, ये एक लोब के अंदर हो गया, फिर दूसरे दो लोब के अंदर भी रहेगा, वैसे मिलके एक दो तीन चार, तो इसलिए उसको वर्ड को यूज किया टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, और जिसके अंदर स्पोर रहते हैं, बैग में क्या रहते हैं, स्पोर, इसलिए उसको बोलते हैं स्पोरांजिएट। अब मराठी में हम लोग कहेंगे ना, तो मराठी जसं म्हणतात आजी बाईचा बटवा, म्हणजे ते आजीचा बटवा असतो ना, त्याच्यात कप्प्यामध्ये कप्पे, कप्प्यामध्ये कप्पे कसे असतात स्टुडंट, सेम तसं झालं। आता आपण पहिला बाहेरचा कप्पा किंवा ओनियन कांदा, समजा कांदा, कांद्याच्या वरचा पहिला पील काढला आपण, त्या पहिल्या पीलला आपण नाव दिलं इपिडर्मिस, ओके, आणि एकदम कांद्यांच्या आतमध्ये गेलोय ना, त्या आतल्या स्ट्रक्चरला नाव दिलं, अजून मधले लेयर बाकी आहेत, तर मधले जे लेयर बाकी आहेत ते पुढे, तर त्यांनी जे दिलंय ते मी एक्सप्लेन करते। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ इपिडर्मिस, फिर इपिडर्मिस के बाद वो क्या कहा है, टू लोब है, बायथिकस, बायथिकस एंड क्या वर्ड दिया है, टेट्रास्पोरांजिएट, मतलब चार है। अब आपकी बुक की डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग, ये है सेल का टिश्यू का डायग्राम एंथर का, और ये लोब है, ये एक लोब और ये एक लोब, दो लोब यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये कनेक्टिव से कनेक्टेड है। अब इस दो लोब के अंदर ये एक और ये हुआ स्पोरेंजियम, ये भी हुआ स्पोरेंजियम। अब मैडम यहाँ पे बाहर वाला लेयर जो है उसे नाम दिया एपिडर्मिस। ये पूरा ग्रीन 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 ड्रॉ किया है, वो क्या ड्रॉ किया है? और ग्रीन कलर का रहता है क्या? नहीं, जो उन्होंने पिक्चराइजेशन करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए ग्रीन कलर डाला है। लेकिन क्लोरीन टाइमर रहते हैं उसमें, बट मोस्टली लेस क्लोरीन टाइमर प्रेजेंट। तो यहाँ पे अपने व्हाइट सेल कैसे रहते हैं वैसे ही सेल मिलेगा, पर वो कलर अट्रैक्टिव दिखना चाहिए इसलिए उन्होंने वो कलर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो एंथेरिस जनरली डायकिकस रहता है और अंदर दो स्पोरेंजियम टैग रहती है हर एक सैक में, तो इसलिए एक सैक की दो, दूसरे सैक की दो, ऐसे टू एंड टू मिलके टोटल हो गई फोर। अब नाउ देखो यहाँ पे ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन टू पोलन सैक, ये हर एक में कितने रहेंगे? दो पोलन सैक रहेंगे। एंड इन डायकिकस एंथर कितने रहेंगे? चार, एक में दो है तो दो में चार रहेंगे। सो देयरफॉर द टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज ए टेट्रास्पोरेंजियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो टेट्रास्पोरेंजियम का मीनिंग क्या रहेगा? वन एंथर सैक हैव टू पोलन, क्या कहेंगे? सैक। वन एंथर फुल एंथर लोब हैव हाउ मेनी पोलन सैक? टू पोलन सैक। So in diathecus, four pollen sacs are present, which is called as a tetrasporangiate. Then next one, that is the hydrogenicity, that is water absorbing capacity, arises when some hypodermal cell get transferred to archosporial cell. So यहाँ पे ये rupturing आएगा ना, तो मैं आपको ये explain करती हूँ कि hypodermal cells कैसे archosporial cell में convert होती हैं। देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट समझना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, बाहर वाले लेयर को नाम क्या दिया? एपिडर्मिस। वो किससे बना है? पैरेन्काइमा से। फिर वो पूरा पोलन सैक मतलब एंथर लोब है, उस एंथर लोब में कितने पोलन सैक रहते हैं? दो। दो एंथर लोब रहेंगे तो उसमें कितने पोलन सैक रहेंगे? चार। चार रहेंगे तो उसको बायोलॉजी में कौन सा वर्ड यूज किया है? टेट्रास्पोरेंजियम। अब ये दिया मार्फोलॉजी, उन्होंने बाहर वाला दिखने वाला स्ट्रक्चर। अब अंदर वाला स्ट्रक्चर देखो, टीएस, टी डॉट एस मतलब टीएस ऑफ पैंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या कहा है? एंथर। तो नाउ यहाँ पे क्या हुआ? नाउ द आर्चेस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू इनर स्पोरेंजियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। तो यहाँ पे ये जो हाइपोडर्मल सेल है, अब मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ये सपोज ये हमने क्या ड्रॉ किया था? सबसे पहले वाला आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ए पैरेन्काइमा। ठीक, ये ड्रॉ किया लोब का पहला वाला पार्ट। अब यहाँ पे अंदर मैंने क्या रखा है? पोलन सैक। पोलन सैक एक बैग है मेड अप ऑफ सेल। अब एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर आता है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। सिंगल लेयर के नीचे वाला जो लेयर आया दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो सेल लेयर आएंगे दैट आर कॉल्ड एज ए आर्चेस्पोरियल, व्हिच आर नोन एज हाइपोडर्मल। तो यहाँ पे आर्चेस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू इनर स्पोरेंजियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। तो ये जो डिविजन हो रहा है ये अंदर वाली सेल को नाम दिया स्पोरेंजियस सेल। एपिडर्मिस छोड़ के, हाँ एपिडर्मिस छोड़ के जो भी सेल आई मेन, उनको दो में डिवाइड किया, एक पैराइटल कहा और एक स्पोरोजिनस कहा। नाउ स्पोरोजिनस सेल फॉर्म अ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू दैट गिव राइज टू माइक्रोस्पोर सेल। तो यहाँ पे कौन से सेल को फॉर्म करेंगे? माइक्रोस्पोर सेल। माइक्रोस्पोर मतलब एमएमसी, एमएमसी का मीनिंग होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर से बोलू एक बार, देखो टीएस ऑफ एंथर में बाहर वाले लेयर को हमने क्या नाम दिया है? एपिडर्मिस। अब अंदर वाली जो भी सेल रहेंगे वो कहती है जैसे नॉर्मल देखो अपने, अभी अपने आप 20 स्टूडेंट्स, कितने तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ज्वाइन है सपोज,
20 स्टूडेंट्स है, तो सपोज ये 20 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, तो इसमें से आपको आवाज सुनाई दे रहा है सबको? वो मैं मेरे तो आवाज, हाँ ओके, हाँ तो 20 स्टूडेंट ज्वाइन है, इसमें से अभी किसने मुझे आंसर दिया? अभी जितना आंसर दिया वो होस्ट का काम कर रहा है, तो वैसे यहाँ पे है ये टीएस ऑफ एंथर में बाहर वाली सेल ने क्या काम किया? एपिडर्मिस का काम किया, लेकिन अंदर वाली सेल क्या कहती है? एक को हम आगे भेजेंगे और बाकी सब पैसिव हो जाएंगे, तो अंदर वाले जो सेल्स अंदर रह जाती है प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड सेल को नाम दिया स्पोरोजिनस टिश्यू, समझ में आया? तो अंदर वाली प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो बाहर रह गई दैट इज आउटर वन इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी पैराइटल टिश्यू। सो नाउ प्राइमरी पैराइटल टिश्यू अंडरगोज डिवीजन, डिवीजन जा रही है टू फॉर्म द एंथर वॉल लेयर, उनसे क्या बन रहे है? एंथर की वॉल लेयर, दैट एंथर वॉल लेयर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, उस वेरियस पार्ट में नाम दिया है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडल लेयर, फिर उसके बाद कैपेटम, ऐसे बहुत सारे लेयर आते हैं। द वॉल ऑफ द मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर, तो एंथर के फोर लेयर में पहला नाम क्या है देखो? एपिडर्मिस। हेलो, हाँ मला ऐकायला येते, हेलो आपको सबको सुनाई दे रहा है क्या? वो मैम आवाज देतो है कि कैमरा मुझे प्रोसेस में नहीं मिल रहा है, यहाँ किया था स्टार्ट, वो जो टीएस ऑफ एंथर प्रोसेस है ना, वो टीएस ऑफ एंथर में हमने पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या लिया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर क्या आता है? एंडोथीशियम। जरा प्लीज आप लोग टेक्स्ट बुक देखते रहो, हाँ। फिर एंडोथीशियम के बाद नेक्स्ट लेयर आया मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज ए टैपेटम। तो सही, ये जो फोर लेयर है ना, डायग्राम में देखो, अगर आपके सामने डायग्राम है सब लोग, तो आउटर लेयर को नाम दिया है देखो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद टू या थ्री लेयर जोन दिए है, दैट ग्रीन जोन इज कॉल्ड एज अ टैपेटम, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज अ मिडल लेयर। लेयर इज यूज्ड अंदर येलो कलर में पोलन मदर सेल मिलेंगी हमको, या तो उस पोलन मदर सेल को हम लोग नाम देते हैं एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा और मियोसिस से हमें मिलेंगे पोलन ग्रेन। ओके, तो अब यहाँ पे पोलन ग्रेन हम लोगों को मियोसिस प्रोसेस से मिलेंगे, तो उस माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर आता है और उसको नरिशमेंट देने के लिए, जैसे चाइल्ड को नरिशमेंट देने के लिए प्लासेंटा भी रहता है और वूम भी रहता है, फ्लूइड रहता है, वैसे उसे प्रोटेक्शन करने के लिए जो टिश्यू आती है जिसका नाम है टैपेटम। ओके, देखो पहले फिर से लेते हैं कि कोई भी एंथर रहेगा तो दो लेयर में, फर्स्ट वन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज ए पैराइटल लेयर, इनर वन इज स्पोरोजिनस लेयर। पैराइटल को फिर चाहिए तो आप अलग अलग लेयर में डिवाइड किए, उसमें पहले लेयर को नाम दिया एपिडर्मिस, फिर सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए मिडल लेयर, फिर थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए टैपेटम। अब वहां पे देखो डिहाइस्ड एंथर करके डायग्राम दिया है, तो देखो डिहाइस्ड एंथर मतलब रप्चर हुआ, एंथर रप्चर होने के बाद बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसीजर दी है। देखो सब मैं पॉइंट रीड कर रही हूँ। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है, कैसा है वो? ट्यूब्यूलर। तो मेन पॉइंट वो ही ध्यान रखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है और ट्यूब्यूलर लेयर है। फिर उसके अंदर वाला नेक्स्ट लेयर है एंडोथीशियम, दैट इज फाइब्रस थिकनिंग, इनर टू एंडोथीशियम इज कॉल्ड एज अ मिडल लेयर, विच इज व्हाट वॉल? थिन वॉल। वो लेयर कैसा है? थिन वॉल, हाँ यस, थैंक यू, हाँ थैंक यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच। तो इनर लेयर को नाम क्या दिया है? थिन वॉल।
फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर है देखो टैपेटम. नेक्स्ट क्या मिल रहा है देखो टैपेटम. टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू. वो कौन से टिश्यू है? न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट. तो याद रखना ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो हमको 4 मार्क्स के लिए क्या क्या याद रखना है, ये रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है कौन से टीएस ऑफ एंथर की, और ये पॉइंट्स याद रखने हैं. उसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, पहले वो आर्चिस्पोरियल सेल या एंथर की सेल जिसको 2 में डिवाइड किया, एक पराइटल एक स्पोरोजिनस कहा. फिर पराइटल को हम लोगों ने वेरियस लेयर में डिवाइड किया, कौन से वेरियस लेयर में, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मिडल लेयर, फिर उसके बाद टैपेटम में लिया. फिर उसके बाद अंदर जो मेन सेल आई जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू, वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या फॉर्म करेगी, वो फॉर्म करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो उससे बनेगा पीएमसी पोलन मदर सेल. अब वो पोलन मदर सेल जब मियोसिस करेगी तब हमें मिलेगा पोलन ग्रेन. तो आज का मेन टॉपिक कंप्लीट हुआ है 4 मार्क्स का. तो आपको थोड़ा छोटा सा असाइनमेंट में देती हूँ कि आप ये डायग्राम जो दिया है ना ऊपर टीएस ऑफ एंथर उसका आप प्रैक्टिस करो, और इसके शॉर्ट नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दिए हुए हैं, उस नोट्स को जस्ट पढ़ो, देखो एक्यूरेट नोट्स है टू द पॉइंट. तो आप उतने उसमें से जितना आपको याद आएगा वो आप अपने पॉइंट्स याद करना, और ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो तो बोर्ड में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. नाउ ओके अभी जी अभी ना अभी नाउ हेलो हाँ मैम बोला. ओके अनम्यूट कर सगळ्यांना जरा सा. हाँ नाही करू शकतील ते स्वतःच स्वतःच करू शकतील ना. हाँ ओके तर मी त्याच्यात सगळ्यांचा रेंजचा पण प्रॉब्लेम येतो ना त्यामुळे कसं करता येईल. इथे कोण स्टुडंट आहे एस म्हणून लिहिलंय बघ, त्याचा कॅमेरा ऑन आहे परंतु नाव नाही लिहिलंय. असं करू नका स्टुडंट, मग मला पण सरांना प्रेझेंटी द्यावी लागेल ना. धनश्री कोण आहे? धनश्री धनश्री तुला अनम्यूट करता येईल बाळा? आपल्याकडे वेळ पण कमी आहे ना, 5 मिनिटं राहिली. ईशा तू अनम्यूट कर पाहूया. असं मी काय हार्ड क्वेश्चन्स नाही विचारणार आहे, माझी भीती वाटते का. ओके शांभवी आप करो, शांभवी अँड साक्षी. रेंज आ रहा है क्या मॅम? तुम्ही क्वेश्चन विचारा ना आम्ही आन्सर करतो. हा मग मी तेच म्हणते, पण तुम्ही कसं बोलणार, मग तुम्ही मला सांगा की इपिडर्मिस कशाने बनले. इपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ विच सेल? एपिडर्मिस पॅरेन्कायमा सेल. ट्राय करा. पॅरेन्कायमा इपिडर्मिस अँथरचा. येस कोणता टिश्यू आहे त्याला पॅरेन्कायमा. पॅरेन्कायमा म्हणजे कोणाला काही सांगता येईल? पॅरेन्कायमा टिश्यू कोणते असतात, कशा असतात, कुठून येतात? आपल्या बॉडी मध्ये कोणत्या टिश्यू आहेत, एखाद्या आपल्या बॉडीच्या टिश्यूचं नाव सांगा पाहूया. कार्डियक टिश्यू माहिती आहे आपल्या बॉडी मध्ये? हो येस. ओके सेम तशाच टिश्यू प्लांट्स मध्ये पण आहे. सेम लाईक दॅट टिश्यू किसमें है? प्लांट्स में. तो प्लांट्स के बाहर वाले टिश्यू को नाम क्या दिया है? पॅरेन्कायमेटस टिश्यू. सारे सारे के सारे टिश्यू वहां पे पॅरेन्कायमेटस ही है, ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है.